हम किसी को क्या कह सकते हैं कि ये वहाँ पे ये है, हम कहते हैं हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, उन बेचारों को भी आज़ाद करवा के भूखा मारना है, या उनके ऊपर भी हमने ये कहना है कि वो भी सर पकड़ के आज वो रोते हैं कि हमने उन पे गोलियाँ चल रही हैं, कल को वो ये रोएंगे कि उनको खाना नहीं मैसर हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुहेब। सुहेब क्या करते हैं आप? मैं GCU में पढ़ रहा हूँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहे हैं। चलिए फिर आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो भी प्राइसेस से ही रिलेटेड है कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त फूड क्राइसिस चल रहे हैं, हर एक चीज़ की जो प्राइस है वो आसमानों से बातें कर रही है। अगर इसी तरह हम जम्मू एंड कश्मीर के प्राइसिस की बात करते हैं तो वो इतनी इस कदर लो है कि आप इजिली इनको परचेज कर सकते हैं। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में दिन ब दिन इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है? उसकी मेन रीज़न तो ये है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हैं, अगर वो उनकी स्ट्रेटजीज ही नहीं अच्छी, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम ही नहीं कर रहे। अभी तो सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही हैं कि वो गलत है वो सही है। अगर हम बेस के ऊपर बात करें तो बेस तो पाकिस्तान की है ना, कि हमारे पास खुद इतना कुछ है कि हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें वो हैं जो इम्पोर्ट की जा रही हैं। तो जिस टाइम तक हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं ऊपर जाएगी, हम कैसे स्टेबल हो सकते हैं? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चिकन की, तो चिकन 550 से कम आपको नहीं मिला, 600 तक पहुँचा हुआ है। अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं वहाँ पे 180 रुपये किलो है, फिर हमें वहाँ जाना चाहिए? वहाँ पे कैसे जा सकते हैं आप ये देखें ना कि आपको अगर 550 रुपये किलो चिकन मिल रहा है और आप फिर भी उसे परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे ये है कि आप देखें, अगर पेट्रोल की प्राइस की हाइक होती है आज रात को, यहाँ पे पता चल जाएगी सारी मार्केट हाल ही हो जाएगी, पेट्रोल पम्प पे चले जाएंगे। तो जिस चीज़ का हम बायकॉट ही नहीं कर सकते, जो चीज़ महंगी होती है हम उसको बजाय इसके कि उसका बायकॉट करने के हम उसे स्टॉक करते हैं। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि जो गरीब आदमी है वो अगर 300 रुपया दिहाड़ी ले रहा है तो 300 रुपये के अंदर वो अपना आटा पूरा करेगा, बिल देगा या खाना खाएगा। तो इन चीज़ों का हमारे हुक्म हमारे अकॉर्डिंग तो हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो हम कहते हैं कि उसमें ज़्यादा जुल्म किसी और सिटी में हो ही नहीं रहा। हमारे आज़ाद कश्मीर की बात करें, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। हमने क्या डेवलपमेंट करवाई है, वहाँ पर भी फूड क्राइसिस है, इतना कुछ चलिए पाकिस्तान की छोड़ दें, जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद कश्मीर जो कि खुद को पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं समझता। देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अपने गिरेबानों में जागना चाहिए कि हम खुद क्या कह रहे हैं। हम खुद ही नहीं किसी के साथ, अपने मुल्क के साथ खुद ही नहीं सिंसेयर, तो हम किसी को क्या कह सकते हैं कि ये वहाँ पे ये है। हम कहते हैं हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, उन बेचारों को भी आज़ाद करवा के भूखा मारना है, या उनके ऊपर भी हमने ये कहना है कि वो भी सर पकड़ के आज वो रोते हैं कि हमने उन पर गोलियाँ चल रही हैं, कल को वो ये रोएंगे कि उनको खाना नहीं मैसर हो रहा। तो ये चीज़ें तो हमारे हुक्मरानों को सोचनी, उनको भी सोचनी चाहिए और हमें भी इसके ऊपर काम करना चाहिए। जो हमारी यूथ है, हमें भी चाहिए कि अगर हम उनकी किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सिर्फ अपना पेट ही भरने की तरफ ज़्यादा ध्यान है। हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो हम किसी ऐसे बच्चे को मुँह लगाना पसंद नहीं करते जिसकी जेब में पैसे नहीं होते, ठीक। तो आप यहाँ से ध्यान लगा लें कि अगर हमारी तरबियत के अंदर ये चीज़ें शामिल हो रही हैं कि हमने किसी गरीब इंसान को मुंह नहीं लगाना, तो हम कल को कैसे तरक्की कर सकते हैं? अल्लाह ताला तो कहता है कि क्वालिटी के साथ चलना चाहिए। इसलिए जो उनसे ये मेरा नहीं ख्याल कि वो अब तक कंट्रोल हो सकती है जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज मौसा। हाफिज क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं इंटर का स्टूडेंट हूँ। इंटर के स्टूडेंट हैं आप? चलें, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान की फूड प्राइसेस और जम्मू एंड कश्मीर की फूड प्राइसेस को, तो पाकिस्तान में इस वक्त इतनी ज़्यादा जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं कि गरीब आदमी खरीद नहीं सकता, उसकी पहुँच से दूर है। चिकन जो यहाँ पर 550 रुपये किलो है कश्मीर के अंदर, वो आपको 160 रुपये किलो मिल रहा है, तो इतना डिफरेंस क्यों है और पाकिस्तान में ही महंगाई क्यों ज़्यादा हो रही है? देखिए, इतना डिफरेंस होने की दरअसल वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, सबसे पहले तो आवाम ये जो ब्लेम दे रही है, ये दे रही है मौजूदा हुकूमत को। तो ये किसी हद तक जो है आवाम का ब्लेम ठीक भी है मौजूदा हुकूमत का, लेकिन जो अब है, लेकिन उसमें डिपेंड ये करता है कि जो चीज़ों की प्राइसेज है ना, हर चीज़ पे यहाँ पे पाकिस्तान में टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। सबसे मेन वजह मैं समझता हूँ ये इनके प्राइसेज ज़्यादा होने की, ये हर चीज़ पर पीछे से लग रहा है टैक्स। किसान भी परेशान है, ताजर भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है। उसकी वजह यह है कि हर चीज़ पर लग रहे हैं टैक्सेज। तो वो टैक्सेज लग रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का खजाना पूरा नहीं हो रहा, ठीक है। वो खजाना पूरा क्यों नहीं हो रहा? वो खजाना पूरा इस तरह से होगा कि अगर पाकिस्तान में पैसा आएगा तो, लेकिन पाकिस्तान से पैसा जा रहा है बाहर। पाकिस्तान में पैसा आएगा, हुकूमत के पास पैसा आएगा तो वो फिर पूरा होगा, लेकिन जिसकी भी हुकूमत आ रही है वो अपनी जेब भर के वो बाहर जाने की कर रही है। लेकिन इसमें अब देखना ये चाहिए कि आवाम को अपनी भी लेकिन अगर कंसीडर करते तो एक जमाने जब कहते कि पाकिस्तान बहुत चीपर है, लेकिन आज इंडिया सबसे चीपेस्ट में आता है, जम्मू एंड कश्मीर सबसे चीपेस्ट में जा रहा है। अगर हम अपनी आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। उसकी बात दरअसल ये है कि आज़ाद कश्मीर को भी अब यही चाहिए कि वो इंडिया के हक में ही आ जाए। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर को भी यही चाहिए कि वो इंडिया के हक में आ जाए, और वही इनके हक में बेहतर है। उसकी वजह दरअसल ये है कि इंडिया ना अब वर्ल्ड में 6वें नंबर पर ना बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। उसकी वजह क्या है? हमारे ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह पर,
हम जाति इख्तलाफात करते हैं, मोदी यूँ है, वो यूँ है, मुसलमानों पर जुल्म, लेकिन अपनी कौम के साथ ऐसा मुल्क वो सिंसेयर चला है। उनकी कौम कहाँ से कहाँ तरक्की करके चलेगी। हमारी आवाम का क्या है कि इसने किया मैंने किया, हर चीज़ का ब्लेम हुकूमत पर डाल दिया, हर चीज़ लो जी हुकूमत छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आवाम को अपनी गलती भी कंसिडर करनी चाहिए कि मैं क्या करूँ। देखें ना, ये मार्केट है, मार्केट में हर बंदा जो भी बैठा है, जाने वाला दुकानदार, हर बंदा चोर है, जिसका दाल अगर है कोई भी माफ़ी नहीं दे रहा। उसकी वजह यही है कि मोदी अपनी कौम के साथ सिंसेयर चला। और देखे ना, जो लीडर का होता है नज़रिया होता है, एफर्ट कौम ने खुद करनी होती है। उसने एक नज़रिया दिया, कौम ने एफर्ट किया, कौम की एफर्ट की वजह से आज वो कहाँ से कहाँ पर चले गए हैं। तो अब हमें भी यही चाहिए कि ऐसा एक अच्छा लीडर आए तो आवाम उसका साथ दे, कोई हुकूमत, एक हुकूमत जो है अगर टिकेगी तो फिर इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा ज़रूर। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं है कोई, नरेंद्र मोदी वैसे ही वहाँ पर जाते हैं, कोई काम भी नहीं करवाते, लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एडवांस इस वक्त हमें जम्मू एंड कश्मीर नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू आज़ाद कश्मीर। उनकी फूड प्राइसेज भी बहुत ही ज़्यादा लो है, 20 रुपये के किलो आलू मिल रहे हैं, 30 रुपये के किलो टमाटर मिल रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर डबल प्राइसेज है, बल्कि ट्रिपल प्राइसेज हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों ऐसा? ये तो आप सब जानते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हर एक दिन में कोई ना कोई हुकूमत आके चेंज कर देती है, हर रोज़ कोई ना कोई हुकूमत अपनी ही कोई आगे पॉलिसी लगा देती है, तो जिसकी वजह से आजकल इन्फ्लेशन हमारे पाकिस्तान में इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब जब तक मैं सीधा बोलूँ कि तब इमरान खान आएगा तो सब कुछ स्टेबल होगा, क्योंकि नून लीग की जब तक रहेंगे ना चीज़ इसी तरह रहेगी। जम्मू कश्मीर में इसलिए चीज़ें सस्ती है कि वहाँ का जो वहाँ की जो हुकूमत है वो उसको स्टेबल रखा हुआ है। पाकिस्तान में चीज़ें स्टेबल हो नहीं सकती जब तक कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल ना हो जाए। आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या ख्याल है? आज़ाद कश्मीर के बारे में तो अच्छा ख्याल है, आई थिंक हमें उनसे सीखना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारे साथ है, पाकिस्तान हमें आज़ाद करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान किसी को भी आज़ाद नहीं करवाएगा पहली बार जब तक वो स्टेबल ना हो जाए। पाकिस्तान को खुद पहले स्टेबिलिटी लानी चाहिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर की तरफ सोचना चाहिए यार, जम्मू कश्मीर को भी। लेकिन हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि कहते हैं कि जी कश्मीर में इतने जुल्म हो रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट की तो नरेंद्र मोदी तो वहाँ इतनी डेवलपमेंट करवा के बैठे हुए हैं, चीज़ें सस्ती तरीन मिल रही हैं, चीपेस्ट बना हुआ है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर। हमारा आज़ाद कश्मीर क्या है? कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो भी मर रहे हैं भूखे हमारी तरह। ये पाकिस्तान सोच ही नहीं रहा ना आज़ाद कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान सोचेगा तो कुछ करेगा, पाकिस्तान अपने मसले से बाहर नहीं निकला तो वो किसी का क्या सोचेगा। पाकिस्तान हर दूसरे दिन किसी न किसी के आगे हाथ पिला रहा होता है, जाके भाई मुझे इतना कर दे दो, मुझे ये दे दो। ये नून लीग की यही तो जाके वहाँ कह रहे हैं भाई मुझे ये कर दो ये कर दो। जब तक पाकिस्तान अपने बारे में नहीं सोचेगा तो हम आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या सोचेंगे। अब वो जो जम्मू कश्मीर है, इंडिया उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उनको कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट का फल मिल रहा है तो इन्वेस्ट कर रहा है ना, इसलिए जम्मू कश्मीर बिल्कुल स्टेबल चल रहा है। तो आज़ाद कश्मीर इसलिए स्टेबल नहीं चल रहा, हम अपने ही बारे में नहीं सोच रहे तो उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये डेट्स इट। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर की, तो हम कहते हैं वहाँ पर बहुत जुल्म हो रहा है, वहाँ पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती है, लेकिन आज देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने इतना काम करवाया वहाँ पर और प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं खाने पीने वाली चीज़ों की, ऐसा क्यों है और पाकिस्तान क्यों पीछे है? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये ऐसा ही है कि कश्मीर में तो वाकई जुल्म और बर्बरियत तो है ही है, लेकिन उन्होंने अपने आप को बड़ा डेवलप किया है, उन्होंने हर सेक्टर को प्रॉपरली शुरू किया, उन्होंने जिस तरह आईटी को देख लें या इंडस्ट्रीज़ को देख लें, हमसे वो वाकई बड़ी कितने गुना वो हमसे आगे चले गए हैं, हम लोग वाकई इसमें पीछे रह गए हैं। इसमें तकरीबन सभी का ही कसूर है, देखा जाए तो नॉर्मल बंदे से लेकर अपर लेवल तक सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, अपने हिस्से का कोई भी नहीं सर्व कर रहा कि चले कोई बेहतरी के लिए मुल्क की या मुआशरे की बेहतरी के लिए। खामियाँ तो सब में होती हैं, लेकिन वो वाकई हम उस लिहाज से भी अखलाकी तौर पे और अकदार लिहाज से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि पूरे जितने वर्ल्ड लेवल के कंट्रीज़ हैं उन सब से तकरीबन अल्लाह माफ़ कर हम पीछे चले गए। इस बारे में तो बंदे को इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे भी थोड़ा थिंक करना चाहिए कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं, हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर के हालात आपको कैसे लगते हैं? वाकई आज़ाद कश्मीर में तो जुल्म और बर्बरियत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो बेचारों को उनको बुनियादी हकूक ही नहीं हासिल और मसाइल दिन ब दिन बेचारों के बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह उनके लिए भी आसानी फरमाए। बरकफ ये सब चीज़ें एक सोची समझी साजिश के तहत ही हो रहा है और प्री प्लान्ड हो रहा है। अब हमें खुद जब तक इसको प्रॉपर प्लान करके नहीं निकलेंगे मजमूई तौर पर तो इसका कोई हल नहीं है। थैंक यू सो मच।